हाँ जी बेटा, हमारा टॉपिक चल रहा था अपील एंड रिवीजन, और हम चर्चा कर रहे थे सेकंड अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में। ठीक है जी, अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में बेटा, सबसे पहली बात मैंने आपको ये बताई थी, अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो गठन है या उसकी स्थापना है वो कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो किसके अंडर वर्क करता है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर बेटा? हाँ वेरी गुड, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंडर। ठीक है जी, कानून मंत्रालय के अधीन काम करता है। और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंडर अपीलेट ट्रिब्यूनल जब काम करता है, तो अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर बेटा मैंने आपको एक बात और बताई थी, दो तरह के मेंबर्स की अपॉइंटमेंट की जाती है। अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर दो तरह के मेंबर्स होते हैं, जुडिशियल मेंबर जिनको लॉ की नॉलेज हो या लीगल प्रिंसिपल्स की नॉलेज हो, और दूसरा होता है अकाउंटेंट मेंबर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन अराइज ये होता है, हाँ जी बेटा, क्वेश्चन अराइज ये होता है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो जुडिशियल मेंबर है उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन व्यक्ति जुडिशियल मेंबर बन सकता है अपीलेट ट्रिब्यूनल का? ठीक है, तो देखिए ध्यान से। हाँ जी बेटा, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 10 साल एज एन एडवोकेट, हाँ जी बेटा, 10 साल एज एन एडवोकेट अपनी सेवाएं दे चुका हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 10 साल एज एन एडवोकेट अपनी सेवाएं दे चुका हो वो जुडिशियल मेंबर बन सकता है। हाँ जी बेटा, दूसरा, वो व्यक्ति जो मेंबर ऑफ इंडियन लीगल सर्विस, ये बेटा एक डिपार्टमेंट है, हाँ जी बेटा, मेंबर ऑफ इंडियन लीगल सर्विस, इंडियन लीगल सर्विस ये एक डिपार्टमेंट का नाम है, उस इंडियन लीगल सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर वो मेंबर रह चुका हो, कौन सी ग्रेड पे? ग्रेड 2। ठीक है जी, इंडियन लीगल सर्विस के बेटा जो मेंबर होते हैं उनके ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। तो मेंबर ऑफ इंडियन लीगल सर्विस में वो कौन से ग्रेड पे काम कर चुका हो? ग्रेड नंबर 2 पे काम कर चुका हो या हायर पोस्ट? ग्रेड 2 से बेटा हायर कौन सा होगा? हाँ जी बेटा, ग्रेड 2 से हायर कौन सा होगा? ग्रेड 1 होगा, सिंपल सी बात है। और कम से कम कितने साल जॉब कर चुका हो? 3 साल। तो एक तो ऐसा व्यक्ति जो एडवोकेट रह चुका हो और 10 साल सेवाएं दे चुका हो, ठीक है जी, वो बन सकता है इसका मेंबर। दूसरा, वो व्यक्ति जो इंडियन लीगल सर्विस का मेंबर है, इंडियन लीगल सर्विस का डिपार्टमेंट का सदस्य रह चुका हो, कौन सी ग्रेड पे? ग्रेड 2 या हायर पोस्ट पे, और कम से कम कितने साल? 3 साल। हाँ जी बेटा, और तीसरा, हाँ जी बेटा, तीसरा ये भी है, देखो, ऐसा कोई भी व्यक्ति, हाँ जी बेटा, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका इंडिया की टेरिटरी के अंदर, ठीक है जी, भारत की सीमाओं के अंदर, ठीक है जी, हु हेल्ड ए जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 10 ईयर, हाँ जी बेटा, जिसका इंडिया की टेरिटरी के अंदर खुद का जुडिशियल ऑफिस हो, हाँ जी बेटा, कोई जुडिशियल ऑफिस हो और उसमें कितने साल काम कर चुका हो? 10 ईयर्स। ठीक है जी, तो ये 3 बेटा हैं, इनके बीच में और लगा देना जब आप पेपर में लिखोगे। हाँ जी बेटा, इनके बीच में आपने क्या लगाना है? और या तो ये वाली कंडीशन फुलफिल कर दे, या बेटा ये वाली कंडीशन फुलफिल कर दे, या फिर ये, ठीक है जी, इन तीनों कंडीशन में से यदि कोई व्यक्ति एक कंडीशन भी फुलफिल कर देता है तो वो जुडिशियल मेंबर बनने के लायक है, किसका? अपीलेट ट्रिब्यूनल का। ठीक है जी, अब आ जाओ अकाउंटेंट मेंबर। हाँ जी बेटा, अब हम बात करते हैं अकाउंटेंट मेंबर, अकाउंटेंट मेंबर की क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए? हाँ जी बेटा, अकाउंटेंट मेंबर के लिए जो कंडीशंस हैं वो 2 कंडीशन हैं, उन दोनों कंडीशन में से अगर एक भी फुलफिल हो गई तो वो अकाउंटेंट मेंबर बन सकता है। हाँ जी बेटा, पहली कंडीशन क्या है? एक सीए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ जी बेटा, सबसे पहली कंडीशन क्या बताई हुई है? ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सीए हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, और कम से कम 10 साल वो प्रैक्टिस कर चुका हो, सीए बनने के बाद
उसने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी हो और प्रैक्टिस करते हुए कितने साल हो चुके हो, 10 साल, वो व्यक्ति अकाउंटेंट मेंबर बन सकता है ट्रिब्यूनल का। या दूसरी कंडीशन बेटा एक और भी है। हाँ जी बेटा, दूसरी कंडीशन क्या है, वो मेंबर रह चुका हो। किसका मेंबर रह चुका हो? इंडियन इनकम टैक्स सर्विस, जैसे उसमें था। हाँ जी बेटा, जो हमने पीछे पढ़ा इंडियन लीगल सर्विस, वहाँ पे इनकम टैक्स की बजाय लीगल था, लीगल वर्ड। यहाँ पे वर्ड क्या है? इंडियन इनकम टैक्स। वहाँ पे हम कौन से मेंबर की बात कर रहे थे? जुडिशियल। ऐसे ध्यान रख लेना, जुडिशियल मेंबर में तो कौन सा डिपार्टमेंट था? जुडिशियल में बेटा था इंडियन लीगल सर्विस। यहाँ हम कौन से मेंबर की बात कर रहे हैं? अकाउंटेंट। यहाँ अकाउंटेंट मेंबर की बात कर रहे हैं, तो अकाउंटेंट मेंबर में इंडियन लीगल सर्विस की बजाय इंडियन इनकम टैक्स सर्विस। ठीक है जी, ये ध्यान रखना। और इन दोनों में से कोई भी शर्त पूरी हो जाए। अच्छा, उसमें क्या था? ग्रेड टू। उसमें ग्रेड टू था, इसमें ग्रेड टू नहीं है, ग्रुप ए। ठीक है जी, वहाँ पे क्या था? ग्रेड टू, जो हमने पहले जुडिशियल मेंबर की क्वालिफिकेशन की थी, उसमें इंडियन लीगल सर्विस डिपार्टमेंट और ग्रेड टू था। यहाँ पे इंडियन इनकम टैक्स सर्विस डिपार्टमेंट, और ग्रुप कौन सा? ए। इसमें ग्रेड नहीं है, ग्रुप ए। और कौन सी पोस्ट पे काम कर चुका हो? एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। हाँ जी बेटा, कौन से पद पर काम कर चुका हो? एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पद पर काम कर चुका हो, या उससे हायर पोस्ट पे। एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या उससे हायर पोस्ट पे काम कर चुका हो, और कम से कम कितने साल सेवाएं दे चुका हो? 3 साल। हाँ जी बेटा, इन दोनों में से कोई भी शर्त पूरी हो जाए तो वो कौन सा मेंबर बन सकता है? हाँ जी बेटा, अकाउंटेंट मेंबर बन सकता है। हाँ जी बेटा, आगे चलते हैं। यहाँ तक बेटा बताओ, यहाँ तक बेटा बताइए। नवीन क्या कह रहे हैं? सर, सीए की ट्रेनिंग के टाइम की गई प्रैक्टिस 10 ईयर में इंक्लूड होगी? नहीं होगी, वो बेटा आर्टिकलशिप ट्रेनिंग होती है नवीन, वो आर्टिकलशिप ट्रेनिंग होती है, वो इसमें शामिल नहीं होगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद। हाँ जी बेटा, और किसी का कोई क्वेश्चन? चलो जी, आगे चलते हैं। प्रैक्टिस 10 साल से कम नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिस बेटा शिक्षा, प्रैक्टिस जो है कम से कम 10 साल हो चुके हों। कम से कम 10 का मतलब होता है 10 साल हो, 11 साल हो, 10 या 10 से ऊपर। ठीक है, पूरे 10 साल कर चुका हो, या 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम नहीं होने चाहिए। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, अब सुनिए ध्यान से। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट्स। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनिएगा, पहले मैं इसको समझा देता हूँ, लिखेंगे हम बाद में। देखिए, अभी अभी मैंने बताया जो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल होता है उसमें बेटा दो तरह के मेंबर होते हैं। मान लेते हैं ये हमारा इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है। ठीक है बेटा, इसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं, ये सारे उसके मेंबर्स हैं। ठीक है जी, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के जो मेंबर्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, वो दो तरह के हो सकते हैं। एक तो मैंने बताया कुछ मेंबर्स तो जुडिशियल मेंबर होते हैं, और कुछ मेंबर बेटा कौन से होंगे? अकाउंटेंट। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनिएगा, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल को जो लीड करता है, लीड का मतलब जो इसका लीडर है, नेतृत्व, जो नेतृत्व करेगा इसका। हाँ जी बेटा, इसका जो लीडर है वो होता है प्रेसिडेंट, उसको प्रेसिडेंट बोलते हैं। मान लीजिए ये लीडर है, ये बेटा इनकम टैक्स अपीलर ट्रिब्यूनल का लीडर है, जिसको हम क्या बोलेंगे? प्रेसिडेंट। ठीक है, ये सारे कौन है? ये मेंबर्स हैं। ठीक है, अब जो प्रेसिडेंट है,
सबसे पहली पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि प्रेसिडेंट जो होता है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का, वो कौन हो सकता है? इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो प्रेसिडेंट होगा वो बेटा या तो कोई सिटिंग जज होगा, सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट, सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट। सिटिंग जज का मतलब होता है जो एट प्रेजेंट हाई कोर्ट का जज हो, या फिर रिटायर्ड जज, रिटायर्ड भी हो सकता है। हाँ जी बेटा, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो हाई कोर्ट का जज हो, सिटिंग जज हो या रिटायर्ड जज हो, और कम से कम कितने साल अपनी सेवाएं दे चुका हो? 7 साल, कम से कम 7 साल अपनी सेवाएं दे चुका हो, यानी कि हाई कोर्ट में जज के पद पर काम करते हुए 7 साल उसने अपनी सेवाएं दी हो कम से कम, तो वो बेटा इसका प्रेजिडेंट बन सकता है। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो प्रेजिडेंट होगा वो, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? ये वो या तो सिटिंग जज होना चाहिए हाई कोर्ट का, सिटिंग का मतलब एट प्रेजेंट वो जज हो हाई कोर्ट का और 7 साल सर्विस कर, या फिर वो रिटायर्ड जज हो, ठीक है जी। या फिर एक कंडीशन और भी है, रिटायर्ड जज पे भी वही कंडीशन एप्लीकेबल होगी, 7 साल कम से कम वो रहा हो, या फिर बेटा वो ट्रिब्यूनल का ऐसा व्यक्ति जो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का वाइस प्रेजिडेंट रह चुका हो, वाइस प्रेजिडेंट। हाँ जी बेटा, वाइस प्रेजिडेंट ऑफ ट्रिब्यूनल, ऐसा व्यक्ति जो पहले ट्रिब्यूनल का वाइस प्रेजिडेंट था उसको भी प्रमोशन दी जा सकती है, और प्रमोशन देके उसको क्या बनाया जा सकता है? प्रेजिडेंट बनाया जा सकता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये तो हो गए प्रेजिडेंट के बारे में, प्रेजिडेंट कौन बन सकता है। हाँ जी बेटा, सबसे पहले नंबर पे तो होता है प्रेजिडेंट। अब प्रेजिडेंट के अंडर कौन काम करेगा? हाँ जी बेटा, हाँ। अब एक गुड़िया ने लिखा है, यदि किसी ने 2 साल, क्या लिखा है, शिक्षा ने लिखा है, सर अगर एट प्रेजेंट अभी जज बनाओ और फॉर एग्जांपल 2 साल, नहीं बन सकता बेटा। अगर अभी अभी कोई जज बना है और 2 साल अपनी सेवाएं दे चुका है तो नहीं बन सकता, 7 साल कम से कम, अभी तो बताया, ठीक है। अब ये देखो, ये तो है प्रेजिडेंट, प्रेजिडेंट के नीचे बेटा कौन होगा? प्रेजिडेंट के नीचे बेटा होंगे, ध्यान से सुनो, प्रेजिडेंट के नीचे होंगे वाइस प्रेजिडेंट। ये प्रेजिडेंट के नीचे, वाइस प्रेजिडेंट बेटा बहुत सारे हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ये ध्यान से सुनो जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये सारे के सारे कौन है? हाँ जी बेटा, ये तो प्रेजिडेंट हो गया, ये प्रेजिडेंट के नीचे वाइस प्रेजिडेंट। अब वाइस प्रेजिडेंट में भी एक सीनियर वाइस प्रेजिडेंट होगा, मान लेते हैं वो सीनियर वाइस प्रेजिडेंट कौन है, ये है। हाँ जी बेटा, इसको बोलते हैं SVP। एक तो होता है बेटा पी, प्रेजिडेंट, प्रेजिडेंट के नीचे वाइस प्रेजिडेंट, ये सारे वाइस प्रेजिडेंट हैं, VPs बोलते हैं। और वाइस प्रेजिडेंट में भी जो सबसे सीनियर होगा उसको बोलते हैं SVP, सीनियर वाइस प्रेजिडेंट, ठीक है। देखो ध्यान से, पहले प्रेजिडेंट हो गया, फिर सीनियर वाइस प्रेजिडेंट हो गया, फिर वाइस प्रेजिडेंट्स हो गए, ठीक है, और फिर बाकी मेंबर, अदर मेंबर, फिर बाकी जो मेंबर बच गए वो होंगे, ठीक है, अदर मेंबर्स। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है, मान लीजिए प्रेजिडेंट कहीं बाहर गया हुआ है, किसी काम से प्रेजिडेंट को बाहर जाना पड़ गया, क्योंकि प्रेजिडेंट एक ह्यूमन बीइंग है, उसको अपने बहुत सारे सोशल ऑब्लिगेशन भी पूरे करने हैं, तो हो सकता है किसी कारण से इसको कहीं मैरिज में जाना है या किसी के डेथ केस में अफसोस करने जाना है, यानी कि किसी भी कारण से यदि प्रेजिडेंट अब्सेंट रहता है, तो प्रेजिडेंट अगर अब्सेंट रहेगा तो उसकी अब्सेंस में प्रेजिडेंट की पावर्स को यूज़ करने का अधिकार किसको होगा? प्रेजिडेंट की जितनी भी पावर होंगी वो सारी कौन यूज़ करेगा? सीनियर वाइस प्रेजिडेंट। और सीनियर वाइस प्रेजिडेंट को केवल वही राइट्स यूज़ करने का अधिकार होगा जो उसको डेलीगेट किए गए हैं, जो जो पावर्स प्रेजिडेंट ने सीनियर वाइस प्रेजिडेंट को डेलीगेट की हुई हैं, सिर्फ वही पावर्स वो यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो प्रेजिडेंट, प्रेजिडेंट की अब्सेंस में कौन काम करेगा? सीनियर वाइस प्रेजिडेंट, और सीनियर वाइस प्रेजिडेंट के बाद आते हैं वाइस प्रेजिडेंट और फिर अदर मेंबर्स। हाँ जी बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
बस 5 मिनट बेटा और लेंगे क्लास। देखिए लो जी, अब इसको लिखना कैसे है, हाँ जी बेटा इसको जरा रीड कर लो, ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ आपको। हाँ जी बेटा जस्ट रीड इट। हाँ जी बेटा मैं भी रीड करता हूँ आपके साथ साथ। क्या कहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है किसको, वन और मोर मेंबर्स ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल एज वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एक एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसीलिए लिखा हो। अच्छा जी अब आगे क्या लिखता है, बिसाइड दी, इसके अलावा एक वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी अपॉइंट किए जाएंगे। हाँ जी बेटा अभी अभी मैंने बताया, एक तो प्रेसिडेंट होगा, एक ये हो गया SVP सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट क्यों अपॉइंट किया जाता है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट विल परफॉर्म, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वो सभी काम करेगा या वो सभी पावर्स यूज करने का उसको अधिकार होगा, जो पावर उसको किसने डेलीगेट की है, प्रेसिडेंट ने। देखो लिखा हुआ है डेलीगेटेड, डेलीगेटेड का मतलब क्या होता है, सौंपना, वो सभी पावर्स जो सौंपी गई हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, इन राइटिंग लिखित में, ठीक है। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को वो सभी पावर्स यूज करने का अधिकार होगा जो उसको सौंपी गई हैं, किसके द्वारा सौंपी गई हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा लिखित, ठीक है जी। सारी बातें वही हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा बस। चलिए हाँ जी बेटा आगे बढ़ते हैं, आज ये वाला बस खत्म हो जाएगा ट्रिब्यूनल का, देख लेते हैं। हाँ जी बेटा एक मिनट जी।